हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन. वेलकम बैक टू योर ओन चैनल, दैट इज रेडियो ग्रोन. दिस इज रिचा शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर. आपने हमारा प्रमो देख ही लिया होगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम आपके लिए दो बैचेस लेके आए, क्लास 9th एंड 10th के लिए, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कम्प्लीट करवाने वाले हैं, वो भी आपके अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो उस हिसाब से बनाई है कि आपको बच्चा हर चैप्टर के दो वीडियो मिलेंगे. फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देंगे एंड सेकंड वीडियो के अंदर हम आपके एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण आपकी जो फाइनल प्रिपरेशन है टर्म वन की वो अच्छे से हो जाए और साथ के साथ में रिवीजन भी हो जाए आपका. ओके, और ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए नहीं, आपको साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स तीनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी हम लेके आए क्लास 9th एंड 10th के लिए. तीनों सब्जेक्ट्स में आपको ऐसा ही मिलेगा, वन शॉट वीडियो एज वेल एज उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स. और साथ के साथ में आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे क्लास 9th एंड 10th के बोलना चाहिए, एक तरह से इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स और वीडियोस अपलोडेड हैं. आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. बच्चा, ये तो हो गई आपके कोर्स के रिगार्डिंग बात. अब इसके अलावा, जैसे कि आपको पता है, जो कि हमारे यूट्यूब पे ये जो कोर्स है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है. अब मैं अपने वेबसाइट की बात करूँ तो जो हमारे वेबसाइट पे कोर्सेज है वो चार्जेबल हैं और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जो हमने कंटेंट दे के रखे हैं वहाँ. तो आपको क्या करना है, जो हमने चार्ज रखा है उनका वो बहुत कम है, 20, 30, 40, 50, और जो आपकी ई बुक है उनका चार्ज हमारा 60-70 रुपीज़ है. ओके, मतलब हम बोल सकते हैं आपका जो हमारा कंटेन है वो 50 के अंदर है और जो हमारी ई बुक है वो 100 के अंदर हमने उनके चार्ज रखे, जिसके कारण हर कोई उसको अफोर्ड कर सके. आप चाहो तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो उन्हें, और अगर आप परचेज नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमने उसके लिए आपके लिए एक नया ऑप्शन निकाल के रखा है. वो पूछिए वो ऑप्शन क्या है बच्चा, हमने आपके लिए एक कॉन्टेस्ट तैयार किया है जिसके अंदर आपको इनरोल करना पड़ेगा और आपको उसको देना पड़ेगा. ओके, उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि आप मान के चलो आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कि आपको एक लिंक मिलेगी, उधर जाके आपको इनरोल करना है. जैसे आप वहाँ जाके इनरोल करोगे तो आपके सामने एक टेस्ट पेपर आ जाएगा, वो उसी चैप्टर के रिगार्डिंग होगा. ओके, और उसमें से आपको आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसको वो करना है और आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा और वो सर्टिफिकेट आपको हमारे साथ शेयर करना है. आप तीन जगह हमारे साथ शेयर करेंगे, एक तो आप FBO इंस्टा पे शेयर करेंगे विद दी हेल्प ऑफ #eduground.in पे, और आप हमें मेल करेंगे support@eduground.in पे. ओके, तो ये आप तीनों जगह हमारे साथ क्या करेंगे, ये आपका हमारे साथ आप हमारे साथ शेयर करेंगे. एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको एक उसको एक बार वेरीफाई करने के बाद हम आपको बोलना चाहिए एक तरह से हम आपको डिस्काउंट्स एंड कूपन अलॉट करेंगे. ओके, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, हमारे जो वेबसाइट है उसके ऊपर जिस हिसाब से आपको डिस्काउंट या कूपन प्रोवाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप हमारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं. ओके बच्चा, तो ये तो हो गई हमारी कोर्स एंड ऑल उसके अकॉर्डिंग बात. अब हम हमारे आज के वीडियो पे आते हैं. जैसे कि आपको पता है, इससे जस्ट पहले ही हमने क्या किया है, वन शॉट वीडियो कर किया है आपका बोलना चाहिए किसका, इकोनॉमिक का, चैप्टर नंबर 2 का, इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर. ओके, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर. अब हम उसी का एमसीक्यूज लेके आए तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, एंड देन उसके बाद जब आप हमारी वीडियो देख लें तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना. सो स्टार्ट टूडेज वीडियो. ओके, सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास बच्चा. नाउ एज यू नो दैट हम सोशल साइंस का, इकोनॉमिक का, क्लास 10th का सोशल साइंस का, इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक का टर्म 1 के एमसीक्यूज करने वाले हैं. ओके, 25 एमसीक्यूज हैं इसके अंदर विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताने वाली. ओके, सो स्टार्ट करें. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, दैट इज विच सेक्टर कन्वर्ट गुड्स इन टू गुड्स. ठीक है, ऐसा कौन सा सेक्टर है जो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है या एक गुड को दूसरे गुड्स के अंदर कन्वर्ट करता है. ओके, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले वन शॉट वीडियो के अंदर. तो आप ऑप्शन आपके सामने ये है और आप मुझे बताइए क्या करेक्ट आंसर है. फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर. नाउ टेल मी दैट विच इज द करेक्ट आंसर. जैसे आपको पता है हम प्रीवियस टाइम से जो करते आ रहे थे वही हमें यहाँ करना है. मैं आपसे 25 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आपको आंसर्स देने हैं.
जैसे कि ए आंसर है, बी सी डी, जो भी आंसर है आपका, आपको वो लिख देना है। ओके, आपको प्रॉपर पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस आपको ऑप्शन लिखना है, ए बी सी डी में से क्या है आप वो लिख देंगे। एंड देन लास्ट में हम देखेंगे कि किसने कितने सही आंसर किए। ओके, एंड देन जो भी टॉप 5 बच्चे होंगे उनके नाम को हम क्या करेंगे, हम हमारी साइट पे, वेबसाइट पे, हमारे इंस्टाग्राम, FB, YouTube चैनल पे हम डिस्प्ले करेंगे। ओके बच्चा, सो नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को सबको पता होगा इसका आंसर क्या है। जब तक मैं भी आपको यह आंसर बता देती हूँ, दैट इज बी, सेकेंडरी सेक्टर ऐसा होता है बच्चा जो कि वो जो भी आपका प्राइमरी गुड्स होते हैं उसको वो दूसरे गुड्स के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ओके बच्चा, तो एक गुड्स से दूसरे गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन सा सेक्टर करता है आपका, सेकेंडरी सेक्टर करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड। अब आपको ये बताना है, जैसे कि आपको पता है हमने डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखे थे, याद आया आपको कुछ, राइट? तो जो हमने डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखे थे, तो ये जो आपकी डेफिनेशन दी गई है वो कौन से अनएम्प्लॉयमेंट को फुलफिल कर रही है, कौन से टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को फुलफिल कर रही है, आपको ये बताना है। ओके, तो क्या बोला जा रहा है, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग जहाँ काम करते हैं उसको हम कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर, कि मतलब मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड। तो ये डेफिनेशन या ये स्टेटमेंट आपको कौन से बोलना चाहिए, एक तरह से कौन से ऑप्शन को सूट कर रहा है वो आपको मुझे बताना है। आप मुझे मैसेज की मतलब कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ रिप्लाई देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है बी, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके बच्चा, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, दैट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब आपको बच्चा ये बताना है वो कौन सा बेस है, जैसे कि आपको पता है हमने 3 टाइप के बेसिस देखे थे, राइट? तो हमारा जो सेक्टर को क्लासिफाई किया गया है, तो जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर सब क्लासिफाई हैं, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपका किस मेजर कैटेगरी के अंदर आता है, आपको वो बताना है। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, सेकेंड इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड इज ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, और फोर्थ इज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन एंड एंटरप्राइजेस। अब आपको ये बताना, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, जो आपका एक तरह से सब कैटेगरी है, तो वो किसके अंदर की सब कैटेगरी है। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको यहाँ आंसर बताती हूँ, फिर देखिए आपने कितने आंसर सही दिए। ओके, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट, मैंने आपको 3 टाइप के सेक्टर बताए थे जो किसके अंदर आते हैं, आपके ऑनरशिप एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं। ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमिक कॉल्ड। ठीक है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट ही किया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, सेक्टर बोलते हैं हम उसे, या फिर सेंटर बोलते हैं, या फिर टाइप्स बोलते हैं, या फिर कैटेगरीज बोलते हैं। तो आपको ये बताना है, जो भी इकोनॉमिक के ग्रुप है जिनका हमने क्लासिफिकेशन किया है उसको हम क्या बोलते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको इसका आंसर पता होगा। इवन मैं आपको एक और हिंट दे देती हूँ, जो आपके चैप्टर का नाम है उसी के अंदर इसका आंसर भी छुपा हुआ है। ओके, सो टेल मी द आंसर नाउ। अब तो सब सही आंसर दे ही देंगे, राइट? जब तक मैं इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्टर्स। ओके, क्योंकि हम सेक्टर्स को ही क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं बच्चा। ओके, नाउ व्हेन वी प्रोड्यूस आर गुड बाय एक्सप्लोइटिंग नेचर रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड। आपको ये बताना है, जो हम नेचर रिसोर्स से जिन गुड को प्रोड्यूस करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, वो कौन से सेक्टर के अंदर आता है या वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती है, आपको ये बतानी है। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, टर्जरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, या फिर पब्लिक सेक्टर। ओके, समझ में आया आपको, सॉरी क्वेश्चन समझ में आया बच्चा आपको, कि जो हम नेचर से, जो भी हमारे नेचर रिसोर्स होते हैं
उससे डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं गुड, वो कौन से सेक्टर में कहलाते हैं? आई होप इसका आंसर तो सबको पता ही होगा और सब लोग सही आंसर देंगे, फिर भी मैं आपको यह आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, बच्चा। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटीज कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब मैं आपको कुछ एक्टिविटीज बताऊंगी बच्चा, आपको उन एक्टिविटीज में से ये बतानी है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड या उससे रिलेटेड सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटी आती है। ओके, इन शॉर्ट आपको प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल बताना है, जो भी मैं आपको ऑप्शन दूंगी उसमें से चूज करना है। ओके, ऑप्शंस आर फर्स्ट है डेयरी, सेकंड है सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द मार्केट, थर्ड इज यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट एंड फोर्थ इज मिनरल एक्सकेवेशन। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो ये मैंने आपको फोर ऑप्शन दिए इसमें से कौन सी एक्टिविटी आपकी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड सेक्टर के अंदर आती है बच्चा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, आप सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या होना चाहिए। एज यू नो दैट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर बोला गया है यहाँ, स्पेशली ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेयरी। ठीक है, जो मिल्क मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी किस एक्टिविटी के अंदर आती है? एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड सेक्टर के अंदर आती है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हम मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। ठीक है, बट सेल कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, लेकिन प्रोड्यूस तो करा है ना हमने उसे, ठीक है, उसके बाद ही तो जाके सेल कर रहे हैं, तो इसलिए वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका क्या है, डेयरी जो है वो इसका प्रॉपर आंसर है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेयर आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर टेकन फ्रॉम टू स्टडी द डेटा। अब ये जो हमें एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट का डेटा मिला है वो हमें कहाँ से मिला है, आपको ये बताना है। ओके, सोर्स बताना है कि आपने कहाँ से वो डेटा, मतलब हमें जो बुक के अंदर दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है। सो ऑप्शन 1 इज रियल टाइम हैंड बुक ऑफ स्टेटिक ऑन इंडियन इकोनॉमिक, जो आपकी रियल टाइम हैंडबुक है स्टैटिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमिक वहां से हमें मिला है, या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से मिला है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NSO, या फिर आपको नीति आयोग से मिला है, या फिर आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो से मिला। नाउ टेल मी, ये जो आपको डेटा मिला है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला, वो आपने कहाँ से उसको लिया है? ठीक है, सो आंसर इज बी, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ठीक है, जो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वहां से हमें ये डेटा क्या हुआ, कलेक्ट हुआ है। ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, दैट इज यूजिंग शुगर कैन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़, अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम। आपको पता होगा जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना बच्चा, मैंने आपको शुगर कैन का एग्जाम्पल दिया था, याद आया? तो आई होप इसका आंसर तो आप सही देंगे। शुगर कैन आपका रॉ मटेरियल है, उससे जब शुगर और गुड़ बनता है वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर आता है या कौन से सेक्टर के अंदर आता है, आपको मुझे वो बताना है। ओके, ऑप्शन आपके सामने ये, प्राइमरी, सेकंड इज प्राइवेट, थर्ड इज इंडस्ट्रियल एंड फोर्थ इज टर्जरी। नाउ टेल मी वो किस सेक्टर के अंदर आता है, आपको आपको मुझे ये आंसर बताना है। ओके, जब तक मैं आपको इसका आंसर देती हूँ, इसका आंसर है सी, दैट इज इंडस्ट्रियल। ठीक है बच्चा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एज यू नो दैट सेकेंडरी सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। जैसे प्राइमरी को एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं एंड टर्जरी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, वैसे ही हम सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। अगर इंडस्ट्रियल की जगह यहाँ सेकेंडरी सेक्टर ऑप्शन होता तो आपका आंसर वो होता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द What is called the of a country? ठीक है, अब हमें बताना है जो भी आपका sum of productor होता है three sector का, उसको हम क्या बोलते हैं। Okay? Option आपके सामने है gross income या gross domestic product जिसको हम GDP बोलते हैं, या फिर net domestic product, या फिर net income। आपको ये बताना है जो भी हमारे three sector की जो भी हमारी earning and all हुई है उसके sum को हम क्या बोलते हैं। Okay? तो आई होप इसका आंसर भी आपको आता होगा, दैट इज बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने आपको जीडीपी का मीनिंग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था वन शॉट वाले वीडियो में, तो आप अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वहां जाके देख सकते हो कि जीडीपी हमारा एक तरह से क्या होता है, जो भी थ्री सेक्टर है हमारे
उनका उनका जो भी आपका फाइनल गुड्स निकला है, जो भी पूरा फाइनल प्रोडक्शन निकला है, उसके सम को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि जो भी आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है ईच सेक्टर की ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एरिया, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर बोलते हैं, या फिर नेट प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर बोलते हैं, या फिर टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर बोलते हैं, या फिर ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान से सुनना है, वहां हमने थ्री सेक्टर के सम की बात की थी, राइट। यहाँ हम प्रॉपर एक एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है आपका, आपका प्राइमरी सेक्टर है, टर्जरी सेक्टर है। तो फाइनल एक एक जो हम एक एक सेक्टर को लें, और अगर हम एक एक सेक्टर की वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू की बात करें, वो भी एक साल के अंदर की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और उसका आंसर है सी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट सर्विस, ठीक है। उसका टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन बोला जाता है आपका, और उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, एक तरह से मतलब फाइनल जो गुड्स एंड सर्विस रहता है उस प्रॉपर ईयर का। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विथ इन आ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एरिया ईयर इज कॉल्ड, सॉरी फॉर दैट बच्चा, ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया है, वही का वही क्वेश्चन है आपका। ओके नो, ध्यान रखना है आपको, यहाँ यहाँ आपका क्या बोला जा रहा है बच्चा, ये आपका हम तीनों सर्विसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हमने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम ईस्ट सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओके। उसमें हमने स्पेसिफाई किया था कि हम ईस्ट सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो और ये एक तरह से सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लिखने का तरीका अलग है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन इस मेथड से भी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। क्या है आपका, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल, यहाँ देना ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो हमने नाइन्थ क्वेश्चन देखा था, एट या नाइन्थ था, उसमें सम ऑफ द प्रोडक्शन बोला गया था आपका तीनों सेक्टर का, राइट। और जो उसके बाद वाला क्वेश्चन था उसमें हमने स्पेसिफाई किया था ईच सेक्टर, बट यहाँ ऐसा कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, यहाँ बोला गया जितने भी गुड एंड सर्विस है, ठीक है। तो जितने भी गुड एंड सर्विस, तो देखा जाए तो हिडन बात लिखी हुई है यहाँ कि हम सारे गुड एंड सर्विस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा, वो हमारा जीडीपी कहलाता है। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। अब मैं आपको कुछ एक्टिविटी बताऊंगी और आपको ये बताना है इन एक्टिविटी में से ये वो कौन सी एक्टिविटी है जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर नहीं आती है। ओके, ऑप्शन आर फर्स्ट है फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एंड बैंकिंग। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई नो इसका आंसर सबको आता होगा, सिर्फ आपको ये बताना है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है। एज यू नो दैट फिशिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग ये आपकी प्राइमरी सेक्टर में ही आती है, क्योंकि ये नेचर से हम डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। बैंकिंग जो है वो आपकी टर्जरी सेक्टर के अंदर आती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, टर्जरी सॉरी बैंकिंग जो कि आपकी टर्जरी सेक्टर के अंदर आती है, आंसर नंबर डी। ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी, उसके बाद आपको ये बताना है जो भी मैं आपको एक्टिविटी बताने वाली हूँ उसमें से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है, या इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटी आती है। ओके, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आएगी वही तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं आएगी आपकी। ओके, ऑप्शन आपके सामने है टीचर टेकिंग अ क्लास इन केंद्रीय विद्यालय, कोई टीचर है वो केंद्रीय विद्यालय के अंदर पढ़ा रही है, तो ये जो उनकी जॉब है जो वो केंद्रीय विद्यालय के अंदर कर रही है वो आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है, पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिएगा बच्चा। सेकेंड, आर नर्स वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक नर्स है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रही है, काम कर रही है। थर्ड है आ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, एक फार्मर है जो कि क्या कर रहा है, उसकी फील्ड को इरिगेशन प्रोवाइड कर रहा है, पानी दे रहा है। या फोर्थ है आ क्लर्क वर्किंग इन अ पोस्ट ऑफिस, या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा क्लर्क है जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप
इनको आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इजीली इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें से कौन सी वो एक्टिविटी है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की नहीं है। ठीक है, तो वो कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वो आपकी एक्टिविटी है बेटा। यहाँ है ना, नॉट को काट दीजिएगा, वेट। ठीक है, तो हमें ये बताना है एक्टिविटी जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटी है। तो आपको पता है सी आंसर है जो क्या है आपका, आ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड। बाकी की ये जो तीनों आपकी ऑप्शन है, केंद्रीय विद्यालय में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना या पोस्ट ऑफिस में जॉब करना, ये आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। क्योंकि यहाँ आपको प्रॉपर लीव भी दी जाती है, प्रॉपर बेनिफिट्स, आपके जो भी बेनिफिट्स होते हैं सिक लीव्स और आपको जो हॉलीडेज होती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर क्या की जाती हैं, आपको प्रोवाइड की जाती हैं। बट जो फार्मा का इरिगेटिंग फील्ड है वहाँ ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। आपको ना कोई छुट्टी मिलती है, ना ही आपका टाइम ऑफ वर्क रहता है, कुछ नहीं रहता। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय जीडीपी। अपन इतनी बार जीडीपी देख चुके हैं कि नाउ अब आपको जीडीपी का फुल फॉर्म पता ही होगा, राइट? तो मुझे लगता है बिना ऑप्शन देते हुए भी आपको इसका आंसर दे देना चाहिए, राइट? कोई नहीं, ऑप्शन तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही देती हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन प्रोवाइड ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए फर्स्ट इज ग्रॉस डेयरी प्रोडक्ट, सेकेंड इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, थर्ड वन इज ग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड फोर्थ इज ग्रेट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। नाउ टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। आई नो इसका आंसर सबको आता ही होगा, तो भी मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हमें पब्लिक सेक्टर के अकॉर्डिंग ये बताना है, जो मैं आपको फोर स्टेटमेंट देने वाली हूँ, फोर ऑप्शन देने वाली हूँ, उसमें से कौन सा करेक्ट है आपका। ओके, ऑप्शन आपके सामने ये है, बिग कंपनीज ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट, या पब्लिक सेक्टर के अंदर हम ये बोल सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं उनके एसेट्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, या फिर आप ग्रुप ऑफ पीपल ओन मोस्ट ऑफ द एसेट, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उनके खुद के एसेट होते हैं उसके अंदर, या फिर किसी इंडिविजुअल का एसेट होता। ठीक है, ऑब्वियसली बात है पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां एसेट या इन्वेस्टमेंट या पैसा भी किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी, दैट इज गवर्नमेंट ओन द एसेट। वो जो भी एसेट होंगे पब्लिक सेक्टर के, वो किसके होंगे, गवर्नमेंट के खुद के होंगे बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर, जो वर्कर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे, या फिर ओवर एम्प्लॉयड बोलेंगे, या फिर अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आते हैं आपके जो वर्कर्स, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं आपको ये बताना है। ओके, ऑप्शन है आपके सामने ये, जिसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, क्योंकि उनके पास काम तो होता है, उन्हें काम मिल जाता है, लेकिन उन्हें प्रॉपर वर्क नहीं मिलता है। ठीक है, जब जरूरत होती है तब उन्हें काम मिलता है, इसलिए वो अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयड के अंदर आएंगे। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ वर्कर हु वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन देने वाली हूँ, उसमें से आपको ये बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फुलफिल नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सी, शी गेट्स आर रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, उसको रेगुलर सैलरी मिलती है एंड में, या फिर शी इज नॉट पेड फॉर लीव, उसको लीव के जो आप उसे अगर छुट्टी लिए तो उसके लिए उसको पे नहीं किया जाता है, या फिर शी गेट मेडिकल अलाउंसेस, या फिर उसको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं, या फिर शी गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ वर्क व्हेन शी ज्वाइंस वर्क, या फिर उसको पहले ही एक लेटर दे दिया जाता है जिसके अंदर पूरी टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है कि उसको वर्क ज्वाइन करने से पहले कैसा कैसा, मतलब क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी, क्योंकि आपको पता है अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो आपको सैलरी एंड में मिलती है, मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं, और आपको जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला जाता है जिसके अंदर आपके कितने टोटल वर्क आर होंगे, कैसी कैसी आपको छुट्टी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, और कौन सी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की डेट है, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं। बट शी इज नॉट पेड फॉर लीव, ये चीज नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
ये जो फीचर है आपका शी इज नॉट पेड फॉर लीव, ये फीचर आपका किसका है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं बच्चा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट. अब आपको ये बताना है कि डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलते हैं. ऑप्शन आपके सामने है, ओवर एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट. इसमें से वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट है जो कि जिसको हम डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं? आई नो इसका आंसर आपको पता होगा, दैट इज सी, योर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपका? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, क्योंकि जितने जनों की वहां जरूरत होती है काम के लिए, उससे ही ज्यादा जने क्या करते हैं, वहां काम करते हैं, इसलिए. ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इज. हमें ये बताना है जो पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव या मेन गोल क्या होता है. प्रॉफिट मेकिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, या फिर नन ऑफ द अबव. आई नो जैसे कि अगर हम आपसे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है. बट यहाँ हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी, दैट इज सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी. वो सोशल वेलफेयर के लिए या सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे यहाँ के सिटीजन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ओके, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए. ओके बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके स्क्रीन के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वुड नॉट अप्लाई टू अ कंपनी लाइक टिस्को. वो कौन सा एक्ट है जो कि जैसे कि टिस्को कंपनी है, एज यू नो दैट बहुत बड़ी कंपनी है ये, तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं होता है. वन इज मिनिमम वेजेस एक्ट, सेकेंड इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, थर्ड इज फैक्ट्रीज एक्ट, फोर्थ इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा वो एक्ट है जो टिस्को जैसी कंपनियों के लिए क्या नहीं होता है, लागू नहीं होता है, या उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता. दैट इज बी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. क्योंकि आपको पता है जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो मनरेगा में आता है, ठीक है. वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उसने कुछ 625 के करीब आपके डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके रखा है, उसमें वो कुछ लोगों को क्या प्रोवाइड करेगी, 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करेगी, और अगर वो अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाती है तो वो उन्हें उसके बिहाफ में अलाउंसेस प्रोवाइड करेगी. ओके, तो ये जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो टिस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों पे अप्लाई नहीं होता. वहाँ ये अप्लाई होगा कि कुछ फैक्ट्रीज के रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ आपकी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी होगी, आपकी कुछ आपका मिनिमम मतलब एक फिक्स होगा कि आपको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी, बट ये आपका जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट इन द टर्शियरी सेक्टर. अब आपको ये बताना है, मैं आपको ऑप्शन देने वाली हूँ, अब आपको ये बताना है इसमें से वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो टर्जरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है आपके बच्चा. ऑप्शन बैंकिंग, बी कीपिंग, टीचिंग, या फिर वर्किंग इन अ कॉल सेंटर. एज यू नो दैट बैंकिंग, टीचिंग और कॉल सेंटर के अंदर जॉब करना, ये एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करना है, ठीक है. अगर ये सर्विस प्रोवाइड करना है तो ये सर्विस सेक्टर में आएंगे, टर्जरी सेक्टर में आएंगे. अब आपकी बचेगी क्या? बी कीपिंग, जो कि मधुमक्खी के थ्रू करा जाता है आपका, तो ये आपकी प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, दैट इज बी कीपिंग, मधुमक्खी को पालना, उन्हें रखना, उनसे शहद एंड ऑल बनाना, ठीक है बच्चा. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट मींस अ सिचुएशन वेयर पीपल आर. अब आपको प्रॉपर वो स्टेटमेंट बताना है जिसके कारण आप उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बता सके कि वो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट है बच्चा. ओके, ऑप्शन अनएम्प्लॉयड, सेकेंड इज एम्प्लॉयड बट अर्निंग लेस सैलरी, या फिर एम्प्लॉयड बट प्रोडक्टिविटी इज निल, या फिर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. तो आपको ये बताना है कि आप इसमें से कौन से स्टेटमेंट को ये बोलोगे कि वो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट है, या तो वो अनएम्प्लॉयड ही है, या फिर वो कमा रहा है लेकिन कम कमा रहा है, ठीक है, या फिर वो कमा तो रहे हैं लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो निल है आपकी, या फिर कुछ टाइम के लिए आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड. तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि बच्चा हमने देखा था कि वहां अगर दो जने काम कर रहे हैं तो भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी आ रही है, और अगर लोग बाग बढ़ रहे हैं तो भी उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ही है, उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है. इसलिए
एम्प्लॉयड तो है लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है उसके निल है, ठीक है, क्योंकि दो जने काम कर रहे थे तब भी उतना ही प्रॉफिट हो रहा था और पांच जने काम कर रहे हैं तो भी उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। प्रोडक्टिविटी के अंदर भी 1% या 0.1% का भी क्या नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए वो एम्प्लॉयड तो है लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है उनके निल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज, आपको सर्विस सेक्टर बताना है जिसके अंदर ये एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। तो एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है क्या आपका, या फिर मेकिंग शुगर, गुड़ एंड ब्रिक्स, ये आप ये जो एक्टिविटी है वो आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, या ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, ये आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, या फिर नन ऑफ दीज। आई थिंक अब तक तो अपन इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, पूरा चैप्टर इतने अच्छे से कवर कर चुके हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को भी कोई भी डाउट होगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, सी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। एज यू नो दैट एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, मेकिंग शुगर, गुड़ एंड ब्रिक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, और जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग है ये आपका सर्विस सेक्टर या फिर टर्जरी सेक्टर के अंदर ये एक्टिविटी आपकी इंक्लूड की जाती है। ओके बच्चा, सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर का करेक्ट मीनिंग बताना है क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेस वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर, ठीक है। अब बोला जा रहा है ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है आपका उसका मीनिंग ये होता है कि वो इंटरप्राइजेस जहां रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, या फिर इट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर वो सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, या फिर जॉब आर नॉट रेगुलर, या फिर उनकी जो जॉब है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो रेगुलर नहीं है आपकी, या फिर इट प्रोवाइड्स लो सैलरी, या क्या है वो, लो सैलरी है। तो आपको बताना है ऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रॉपर मीनिंग क्या है, दैट इज ए। क्या बोल रहा है, इट कवर दोज एंटरप्राइजेस वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर होगा बेटा, नॉट रेगुलर नहीं होगा ये, ठीक है। वहां क्या किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है आपका, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन, एज पर नरेगा 2015, नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, और अगर AM जुड़ जाता है आपका, महात्मा गांधी जुड़ जाता है, तो वो मनरेगा हो जाता है, ठीक है बच्चा। अ नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी बाय गवर्नमेंट, आपको ये बताना है जो नरेगा एक्ट है आपका 2005, एज यू नो दैट उसके अंदर 625 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, बट उन्हें कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी दी है। ओके, सो ऑप्शन इज 100 डेज, 80 डेज, 150 डेज और 120 डेज। तो गवर्नमेंट ने कितने दिन की गारंटी दी है वहां के लोगों को काम देने की, सो आंसर इज ए, दैट इज 100 डेज। ओके बच्चा, समझ में आ गया, 100 डेज की उन्हें गारंटी दी गई है। ओके, और अगर गवर्नमेंट वो फुलफिल नहीं कर पाएगी तो वो उनको अलाउंसेस प्रोवाइड करेगी। ओके, इन शॉर्ट अगर काम नहीं होगा तो भी उन्हें पैसे मिलेंगे ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, वन शॉट वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, साथ के साथ जो हमने MCQs किए वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद भी आपको लगता है आपको कोई डाउट है, या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या कोई टॉपिक समझना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चा, हम मुझे सिर्फ मैसेज करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, या जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, वो मैं सारे क्या कर दूंगी, आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, आज हमारा सोशल साइंस का फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग कोर्स कंप्लीट होता है बच्चा। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से आप प्रिपेयर करते रहिएगा अपने लिए। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर अगर हम कुछ नया कोर्स लेके आए या कुछ नई चीजें लेके आए तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करना, बिल्कुल मार्क्स एकदम जबरदस्त आने चाहिए, वो भी बिना चीटिंग किए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। हाँ, बस जाने से पहले एक चीज आपको करनी है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है आपको बेल आइकन को, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद आपको लगता है मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, आपको पसंद आई, तो आपको मेरी वीडियो को क्या करना है, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल एज योर एग्जाम। ओके, सो बाय बाय।